बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेस कैटालिसिस, ठीक है। तो आज हम जो है वो कैटालाइज्ड रिएक्शन की एक नई टाइप पढ़ेंगे, उसका नाम है मेटल आयन कैटालिसिस, ठीक है। वो तमाम प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो मेटल आयन जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हम डेफिनेशन की बात करते हैं या उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। मेटल आयन्स एक्सर्ट देयर कैटालिटिक इफेक्ट बाय कंप्लेक्सिंग द विद द एटम्स दैट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मेटल आयन कैटलिस्ट जो है वो कैसे एक्ट करता है, वो क्या करता है कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, किसके साथ, उस एटम के साथ दैट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे ही ये लोन पेयर के साथ या उस एलिमेंट के साथ जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, तो उसी तरह से जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जो होती है या फिर हम जो इंटरमीडिएट जो बनता है उसको हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करवा देते हैं। मेटल आयंस देयरफॉर आर लेविस एसिड्स। अ मेटल आयन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग वेज। अब लेविस एसिड और लेविस बेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेविस एसिड है क्या। अकॉर्डिंग टू लेविस, that species will act as a acid if it has a tendency to accept a lone pair of ya pair of electrons, theek hai, wo species jiske paas electron pair accept karne ki salahiyat hoti hai wo kya karti hai, as a lewis acid ke taur pe act karti hai, theek hai। to phir lewis base kya hoga, lewis base wo hoga jo tendency rakhta hai इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस यहाँ पर कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि चूंकि मेटल आयन जो है, ठीक है, वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है उस एटम के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो मेटल है वो एज ए लेविस एसिड का काम करेगी और जो एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज ए बेस का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वो एटम जिसके पास लोन पेयर है वो ये टेंडेंसी रखेगा कि वो डोनेट कर दे, ठीक है, तो वो फिर हम क्या कहेंगे, उसे लेविस बेस कहेंगे। और जबकि मेटल जो कि उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसे हम लेविस एसिड का नाम देते हैं। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि हम जो है वो देख सकते हैं कि मेटल आयन जो है वो किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है, क्योंकि एज ए कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है कि वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। फर्स्ट पॉइंट, इट कैन मेक अ रिएक्शन सेंटर मोर ससेप्टिबल टू रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, एज इन जो डायग्राम में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डायग्राम जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को मोर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देता है। फिर से देखें, इट कैन मेक अ रिएक्शन सेंटर मोर ससेप्टिबल टू रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको इस काबिल बनाता है। असल में करता क्या है, ये जो मेटल जो है वो रिएक्शन सेंटर के साथ जाकर क्या करती है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है, ठीक है, और फिर उसको इस काबिल बनाती है कि वो जो एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो आकर इसके ऊपर क्या कर सके, अटैक कर सके। जिस तरह हम एल्डोल कंडेंसेशन में देखते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड्स की रिएक्शन में देखते हैं कि हम या तो अपना जो सबस्टेट है या रिएक्शन सेंटर जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, इट कैन मेक अ लिविंग ग्रुप अ वीकर बेस, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है उसको क्या करता है, वीक बना देता है। कैसे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। एंड देयरफॉर अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो हम देख, लास्ट टाइम हमने ये बात की थी
कि अगर हमारे पास निकलने वाला जो बेस होगा वो वीक होगा, तो अब वीकर बेस जो होता है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो वो आसानी से रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, या उस प्रोडक्ट से या रिएक्शन सेंटर से क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वाटर, या फिर ये क्या करता है कि वाटर के साथ जो है उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी कैपेबिलिटी होती है, असल में जो वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, सॉरी ऑक्सीजन एटम होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो जो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फिर वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को क्या कर देता है, बूस्टअप कर देता है या स्पीड अप कर देता है। अब हम इस एग्जांपल को जो है वो देखेंगे। इट कैन मेक अ रिएक्शन सेंटर मोर ससेप्टिबल टू रिसीविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक एज इन ए डायग्राम। ये हमारे पास एक डायग्राम जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर हमारे पास ये मेटल जो है इसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है कि ये रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट वे से क्या है हो सके, कंप्लीट हो सके। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेटल ऐड कर देते हैं। तो जब मेटल ऐड करेंगे तो मेटल जो है वो एज ए लेविस एसिड के तौर पे आएगी, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एज ए लेविस बेस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो क्या कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकती है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों है, देखें, जब इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही इसके साथ बॉन्डिंग करवा लेती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये क्या कर चुका है, ये शेयर कर चुकी है, ये डोनेट कर चुकी है किसको, मेटल एटम को। तो अब इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है तो वो क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा तो ये वाली जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो वेरी स्पीडली क्या करेगा, इसके ऊपर आकर अटैक कर देगा और रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है। दूसरा पॉइंट उसने कहा था, या तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन सेंटर को स्पीड अप करवा लें, ठीक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम क्या करें कि हम जो लिविंग ग्रुप जो लीव कर रहा होता है मॉलिक्यूल से, उसको क्या करें, वीक बेस में कन्वर्ट कर दें। अब यहाँ पर देखिए, इट कैन मेक अ लिविंग ग्रुप अ वीकर बेस एंड देयरफॉर अ बेटर लिविंग ग्रुप एज इन बी। ये बी डायग्राम हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, मेटल ऐड नहीं करते, तो यहाँ पर जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, जब ये रिमूव होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। तो ये आसानी से, और हमने कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कभी भी इजीली रिमूव नहीं होता, वो पूर लिविंग ग्रुप होता है। अब हमने इस ग्रुप को क्या बनाना है, हमने इस ग्रुप को बनाना है वीक बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वीक बेस जो होता है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो हमने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इस मेटल को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। जब इस ऑक्सीजन के साथ मेटल को अटैच कर दिया, ठीक है, तो ये वीक बेस में कन्वर्ट। अभी हम यहाँ से दो टाइप्स जो है वो, दो पॉसिबिलिटीज जो है वो डिराइव कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हम बात ये करते हैं जो उसने की है, कि यहाँ से ये जब ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वीक बेस के अंदर, ठीक है। तो ये आसानी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। दूसरी बात,
जब ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ जो है वो शेयर कर लेती है, उसको डोनेट कर देती है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर एज ए लेविस एसिड के तौर पे आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये लेविस बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो अपने जो लॉन पेयर है उसको यूज कर रहे हैं मेटल के साथ बाइंडिंग करने में। तो जब मेटल के साथ बाइंडिंग करने में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करेगा तो उसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो हमने ये कहा था कि जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना लॉन पेयर जो है वो यूज कर लेता है तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितनी ज्यादा पार से वो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जैसे ही ये लॉन पेयर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड वापस आता है तो ये बॉन्ड जो वीक हो चुका है तो इसको क्या किया जाता है, आसानी से यहाँ से ब्रेकअप कर दिया जाता है। दोबारा से देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। एक तो ये है कि ये जैसे ही मेटल के साथ अटैच हो जाती है तो ये एक वीक बेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वीक बेस जो है वो आपको पता है गुड लिविंग होता है, वो आसानी से रिमूव हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब ये ऑक्सीजन मेटल के साथ बाइंड कर लेती है, अपना लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देती है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा तो ये क्या करेगा, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। तो जैसे ही ये लॉन पेयर जो है वो बॉन्ड की शक्ल में आएगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये बॉन्ड चूंकि वीक हो चुका है तो ये आसानी से यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली हैं। हमने कहा है कि या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या रिएक्शन सेंटर को क्या कर दे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना दे इस तरह से, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी है कि ये जो लिविंग ग्रुप होता है उसको क्या कर देता है, एक वीक बेस में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और वीक बेस जो है वो आसानी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट जो हमने थर्ड पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी, इट कैन इंक्रीजेस द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वाटर एज इन केस सी। तो ये हमारे पास सी डायग्राम है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है, तो मेटल बॉन्ड वाटर जो है। अब होता क्या, उसी तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई है, तीन। ये लॉन पेयर इसने क्या किया, मेटल के साथ मेटल को डोनेट कर दिया है। जब मेटल को डोनेट किया है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो ये क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो बन चुका है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से या पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इस बात की जो है वो साइन है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कन्वर्ट हो चुका है। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कन्वर्ट हो चुका है तो तब क्या होगा, अब यहाँ से जो है वो क्या कर दिया जाता है, प्रोटॉन निकाल दिया जाता है। जब प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है, ये देखिए ये प्रोटॉन निकल चुका है ऑक्सीजन की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर वो शो करवा रहा है, वो कितने शो करवा रहा है, तीन। लेकिन ये जो पेयर है ये किसके साथ अटैच है, मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर हम एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो उसके ऊपर लॉन पेयर तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते, लॉन पेयर का अटैक करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। लेकिन जब हम वाटर के साथ मेटल अटैच करवा देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। या फिर हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि जब हमने, ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, हमने क्या करवाना है, वाटर का इसके ऊपर अटैक करवाना है। अगर हमारे पास न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इतनी स्पीड अप से जो है वो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। जब हम इसके साथ मेटल अटैच कर देते हैं तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अंडरस्टूड बात है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या करता है, अटैक। अब ये कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर देता है किसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो हमारा रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। तो मेटल जो है वो तीन तरह से रिएक्शन को क्या कर सकता है, बूस्ट अप कर सकता है। एक ये है कि हमारे पास क्या हो, जो हमारा रिएक्शन सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, ताकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्पीड से क्या करे, इसके ऊपर अटैक करे, हमारा रिएक्शन जो है वो बूस्ट अप हो जाए। सेकंड वन ये है कि जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन चुका होता है तो जो लिविंग ग्रुप होता है हम उसके साथ क्या करते हैं, मेटल को अटैच करवा देते हैं। जब मेटल अटैच हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक वीक बेस के अंदर, और वीक बेस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो वो आसानी से वहां से क्या हो जाता है, लीव कर जाता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि ये वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, कि जब ये मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये फिर क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन एटम के ऊपर क्या करता है, विलिंग हो जाता है अटैक करने के लिए, और इस तरह से रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं इन ए एंड बी, यानी कि ए और बी डायग्राम में, द मेटल आयन एक्सर्ट्स द सेम काइंड ऑफ कैटालिटिक इफेक्ट एज अ प्रोटॉन डस। बिल्कुल उसी तरह से ये देखें, यहाँ पर हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन में, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में हमने देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अगर हाइड्रोजन जो है वो भी अटैच करवा दिया जाए तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही, या प्रोटॉन अटैच करवा दिया जाए तो वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के अंदर, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरा, यहाँ पर भी अगर हम प्रोटॉन, जैसे हमने एसिड कैटालिसिस में देखा था कि हमने वीक बेस को, सॉरी, जो लिविंग ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट करना होता है वीक बेस के अंदर। अब हम, इसका मतलब यह, हमारे पास बेस को वीक बेस में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है। एक ये है कि या तो उसकी प्रोटोनेशन करवा दी जाए, या फिर क्या किया जाए, उसके साथ मेटल एटम अटैच कर दिया जाए तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वीक बेस के अंदर। सेकेंड पॉइंट, हाउएवर अ मेटल आयन कैन बी अ मच मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट देन अ प्रोटॉन। कहते हैं कि मेटल आयन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होता है। क्यों? मेटल आयन कैन हैव अ चार्ज ग्रेटर देन प्लस वन एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन कैन बी मेड अवेलेबल एट अ न्यूट्रल पीएच। कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मेटल आयन जो है वो एक न्यूट्रल पीएच के तौर पे जो रिएक्शन की न्यूट्रल पीएच है वहां पर भी एक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन ऐड करवाएंगे तो प्रोटॉन ऐड करवाने से इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो जो हमारा बिहेवियर जो, या मिक्सचर का जो एनवायरनमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक। लेकिन जो मेटल है वो क्या करती है कि न्यूट्रल जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी क्या कर सकती है, एज ए कैटलिस्ट के तौर पे भी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो दूसरी बात उसने ये कही कि मेटल आयंस हैव अ चार्ज ग्रेटर देन प्लस वन प्लस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेटल आयन जो है वो ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो क्या कर सके, प्लस वन से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो रख सके, ठीक है। प्लस वन पॉजिटिव चार्ज रखने का क्या मतलब है, या मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का इसका मतलब यह है कि ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो जब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी
तो हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जबकि तीसरी पॉसिबिलिटी इन सी, मेटल आयन कम्प्लेक्सेशन इंक्रीजेस वाटर्स न्यूक्लियोफिलिसिटी बाय कन्वर्टिंग इट टू मेटल बॉन्डेड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन बन चुका है, लेकिन ये क्या है, मेटल बॉन्डेड हाइड्रोक्साइड आयन है। मेटल बॉन्डेड हाइड्रोक्साइड आयन इज नॉट एज गुड एज अ न्यूक्लियोफाइल एज अ हाइड्रोक्साइड आयन, बट इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। अब यहाँ पर वो ना दो बातें कर रहा है, वो कहता है अगर हम इसको गौर से देखें ना, तो अगर हम कंपैरिजन करें किसके दरमियान, वाटर के दरमियान, हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान और मेटल बॉन्डेड हाइड्रोक्साइड आयन के दरमियान, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, जब ये अकेला होता है। ठीक है, उससे कम जो रिएक्टिव होता है या कम न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन से, वो कौन सा होता है, मेटल बॉन्डेड से। लेकिन ये मेटल बॉन्डेड जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है जब एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल। मेटल आयन आर इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट इन लिविंग सिस्टम बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन इटसेल्फ इज नॉट अवेलेबल एट फिजियोलॉजिकल पीएच। वो कहता है कि मेटल आयन जो है वो हमारी रिएक्शन के अंदर, जो बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें ज्यादा यूजफुल कैटलिस्ट के तौर पर एड करता है, क्योंकि वो चेंज न्यूट्रल पीएच के ऊपर या एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर क्या करता है, रिएक्शन परफॉर्म करवाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही हम एसिड कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उस रिएक्शन का जो एनवायरनमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी कि उसकी पीएच जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन मेटल जो है वो क्या करता है, एक कांस्टेंट पीएच के ऊपर भी परफॉर्म कर सकता है। रिएक्शंस एम्प्लॉइंग अ मेटल आयन कैटलिस्ट, एग्जांपल नंबर वन है जी, द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइमिथाइल ऑक्सैलोएसीटेट कैन बी कैटलाइज्ड बाय आइदर क्यूप्रस और एल्यूमिनियम, Cu+2 इसे क्यूप्रस कहते हैं और एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर +3 पॉजिटिव। कम्प्लेक्सेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बाय मेकिंग द कार्बोनाइल ऑक्सीजन मोर ससेप्टेबल टू रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट बिहाइंड व्हेन CO2 इज एलिमिनेटेड। अब ये किस तरह से जो है वो रिएक्शन परफॉर्म होगा इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास है ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है, अब देखें, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है कौन, कॉपर। ठीक है, तो जब ये कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव करके गया है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। जब इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर दिया जाएगा इन दो कार्बन, ये कार्बोनाइल और इस कार्बन के दरमियान। तो जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो फिर इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये पाई बॉन्ड टूट के किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम कॉपर ऐड करते हैं तो वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबलाइज। कैसे स्टेबलाइज करता है, हमने पढ़ा था कि ये जो मेटल होती है ये लेविस एसिड का काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फिर कौन एक्सेप्ट कर लेता है, कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, इसको स्टेबलाइज कर देता है। दोबारा देखिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, कैसे रिमूव होगी, ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया, जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो ये बॉन्ड जो है ये इस कार्बोनाइल कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप होगा, ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से बॉन्डेड फॉर्म से जो है वो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आई है किससे, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, इसको एक्सेप्ट कर लेता है कौन, मेटल आयन। तो मेटल आयन जब इस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये इसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। ये देखें, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया,
ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला गया। ऑक्सीजन ने क्या किया है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और इसको क्या करवा दिया है, स्टेबलाइज बना। अब यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी से रिएक्शन के रेट का क्या लिंक है? याद रखिएगा, हमेशा वो रिएक्शन फेवरेबल होगा जिसकी प्रोडक्ट जो होंगी वो स्टेबलाइज होंगी। अगर ये प्रोडक्ट स्टेबलाइज नहीं है तो वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसानी से रिमूव नहीं होगी। अगर रिमूव हो भी जाती है तो फिर वो क्या होगा, दोबारा से जो है वो अटैक होगा कार्बन के ऊपर और दोबारा से इस तरह जो है वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर शोन बिलो एज टू स्लो स्टेप्स। जिंक प्लस 12 पॉजिटिव इंक्रीजेस द रेट ऑफ द फर्स्ट स्लो स्टेप बाय प्रोवाइडिंग मेटल बाउंड हाइड्रोक्साइड आयन अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। यहाँ पर हम देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ पर देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, उसी तरह वही बात हो गई कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू मेटल बाउंडेड हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन ये मेटल बाउंडेड हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो चुका है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसने इंक्रीज करवा दी है वाटर की। तो जब वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई तो ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला बाउंड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस स्लो स्टेप को उसने क्या कर दिया है, फास्ट कर दिया है। जब ये स्लो स्टेप फास्ट होगा तो अंडरस्टूड बात है कि वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, जब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है ये ब्रेक होता है, दो स्लो स्टेप होते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और ब्रेकिंग ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब यहाँ से ही क्या करेगा, लिविंग ग्रुप के साथ क्या करेगा, बाइंड कर देगा। जब लिविंग ग्रुप के साथ बाइंड करेगा, अगर हम जिंक को निकाल देते हैं तो यहाँ से निकलने वाला ग्रुप कौन सा होता है, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन जैसे ही हम मेटल ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वीकर बेस या वीकर न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाता है और वीकर बेस जो होता है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। इस तरह से डीकम्पोजिशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट को क्या कर देता है, बूस्ट अप कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्पीड अप होता है। आई होप इट इज अ क्लियर। बाकी जो आपके इंशाल्लाह क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन सेशन में जो है वो उसको क्लियर कर दिया जाएगा।